हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अंकिताज रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए आटे से बनने वाली बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में इसे फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना के दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा। जितना मैंने चावल का आटा लिया है उतना ही हम लेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप चावल के आटे की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये चावल और गेहूं के आटे को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है। तो इसमें हम थोड़ी सी और पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। ये देखिए, एकदम प्योरिंग कंसिस्टेंसी होगी, इसी तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए। अब हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। 3 बड़े चम्मच कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो धनिया आप अच्छी क्वांटिटी में डालें। 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ड्राई मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। आप मसालों की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मसाले बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाएं। इसे हम लगभग आधे से 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारा इंग्रेडिएंट मिक्स होने के बाद ये बैटर थोड़ी थिक हो गया है, तो इसमें हम पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली कर लेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसकी एकदम प्योरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये हमारा नाश्ते के लिए बैटर बन के रेडी है। तो चलिए अपना नाश्ता बनाना हम शुरू करते हैं। उसके लिए एक तवे को हम गैस पे रख देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तवे को ऑयल से हल्का चिकना कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, तो बहुत कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब 1 चम्मच बैटर लेके इस तरीके से फैला देंगे। यहाँ पे मैं इसे एकदम पतला फैला रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि तवा हल्का गर्म हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हम इसे फैला नहीं पाएंगे, वो जल्दी से तवे में चिपक जाएगा। जब ये नाश्ता नीचे की तरफ से हो जाएगा तो ये देखिए ऊपर से इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। तो ऊपर हम हल्का ऑयल लगा लेंगे और दोनों ही साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक इसे पका लेंगे। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये नीचे से एकदम क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट हम दूसरे साइड भी पका लेंगे और इस साइड हल्का सा घी या ऑयल लगा लेंगे। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ, ये एकदम क्रंची बन के रेडी है। ये खाने में बहुत यमी लगता है, इसे गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा नाश्ता बनके रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी अपना नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।